आज के ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, देश के किन किन राज्यों में अब और गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो देश के इन राज्यों में आज होगी आपद की बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। उत्तर भारत में सर्दी का कहर लगातार जारी है, तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत के कई राज्यों में आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान के खत्म होने के बाद, कमजोर पड़ने के बाद भी दक्षिण के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से ये बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए राज्यों में भी यहाँ पर एहतियात कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। चक्रवाती तूफान से प्रभावित राज्यों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को यहाँ पर लगाया गया है। वहीं दक्षिण भारत में हो रही बारिश के बीच पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में तापमान में लगातार गिरावट जारी है। पारा जो है नीचे लुढ़कता जा रहा है। आलम यह है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ही देश के कई हिस्सों में शीतलहर चलने लगी है, इसे लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों पर भारी बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना यहाँ पर जताई गई है, यानी बारिश और बर्फबारी होगी। इसमें इस पश्चिम विक्षोभ उत्तर पाकिस्तान और उससे सटे इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना है। वही अगले 3-4 दिन तक मौसम के मिजाज में बदलाव जो है इसके कारण देखने को मिल सकता है। वही पहाड़ी इलाकों से चल रही बर्फीली हवाओं का असर मैदानी क्षेत्रों पर साफ देखा जा रहा है। वही मैदानी इलाकों में तेजी से यहाँ पर दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बदली एनसीआर में भी ठंड का असर धीरे धीरे तेज हो रहा है। हालांकि अभी उतनी ठंड नहीं है जितनी दिसंबर के महीने में आमतौर पर होती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली वालों को अभी कड़कड़ाती ठंड का इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच मैदानी इलाकों में सुबह शाम धुंध पड़ने और पहाड़ों पर प्रातःकाल पाला पड़ने की संभावना जताई गई है, जबकि कई इलाकों में तो अभी से यहाँ पर कोहरे की मार जो है वो यहाँ पर कोहरे की मार भी यहाँ पर पड़ने लगी है और सुबह के समय कई इलाकों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। वही जिसे यातायात प्रभावित हो रहा है, वही कोहरे के कारण सबसे ज्यादा जो मार जो है लंबी दूरी की ट्रेनों पर पड़ रही है, इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही मौसम की निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिण ओडिशा और विदर्भ, मराठवाड़ा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हल्की भारी बारिश हो सकती है। वही गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी हल्की बर्फबारी और इसके अलावा बारिश होने के आसार जताए गए, यानी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जो है इस इलाके में जताई गई है। ये अपडेट मौसम विभाग की ओर से और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बात अब करते हैं राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम अपडेट की। तो उत्तराखंड में लगातार कई दिनों से बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। दरअसल उत्तराखंड में कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार जो मौसम में बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। वहीं कई इलाकों में यहाँ पर अभी जो है बारिश और बर्फबारी से लोगों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में आने वाले 24 घंटों में सर्दी और बढ़ने की संभावना जो है वो जताई गई है। बात हम करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की, तो राजस्थान के मौसम को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। दरअसल राजस्थान में विभिन्न इलाकों में तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। कल राजधानी जयपुर में पारे में लगभग 1.2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ ऐसा ही हाल प्रदेश के अन्य इलाकों में भी है। अजमेर, वनस्थली, कोटा, फलोदी में दिन के पारे में तकरीबन 1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। वह बीती रात करौली, फतेहपुर और सेगरिया, ये संगरिया ये इलाका है, इसके अलावा नागौर, रांता और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पिलानी, वनस्थली और भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रहा। हालांकि रात के तापमान में कई जिलों में हल्की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 13 तारीख के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तरी हवा का दबाव बढ़ने से सर्दी का असर तो बढ़ेगा ही, साथ ही तापमान में गिरावट आएगी और फिर से तेज सर्दी होना शुरू हो जाएगी, यानी कल तक और इंतजार कीजिए। उसके बाद राजस्थान में सर्दी के तेवर तीखे होने की संभावना जताई गई है।
वही राजस्थान के बाद बात अब कर लेते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश के मौसम अपडेट की। तो आखिर एमपी का मौसम क्या कहता है, तो बता दें आपको कि एमपी में फिर से यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर तेज ठंड जो है अभी शुरू हो चुकी है, यानी एमपी में तेज ठंड हो चुकी है और भोपाल में भी धुंध यहाँ पर सुबह के वक्त छाई हुई है। जैसे बात यह है कि पूरे उत्तर भारत और यहाँ पर समेत तो एमपी में भी सर्दी का सितम अभी शुरू हो गया है। वही प्रदेश में चलने वाली सर्द हवा की वजह से ठंडन बढ़ गई है। वही राज्य के अंदर तापमान में भी यहाँ पर लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वही दिसंबर महीने के अंत तक राज्य के अंदर जो सर्दी है वो तेज तरार हो जाएगी, यानी तेज होने की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग ने आज भी एमपी में तापमान 12 से 26 के आसपास रहने का अनुमान जताया है। वही मौसम विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल में आज न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहने के आसार जताए हैं। वही धुंध छाई रहेगी और इंदौर में आज न्यूनतम तापमान 13 जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहने के आसार जताए गए हैं। वही लगातार तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी और गिरावट जो है देखने को कुछ इलाकों में एमपी में मिल रही है। अब एमपी के बाद आपको ले चलते हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश। लेकर उत्तर प्रदेश में आखिर मौसम का मिजाज कैसा है, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। वही वेस्ट यूपी और लखनऊ में हवा ने यहाँ पर मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल यूपी सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड जो है तेजी से बढ़ने लगी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर बुंदेलखंड का इलाका, तराई वाला हो या फिर पूर्वांचल का हिस्सा, सभी इलाकों में सर्दी अपना रंग दिखाने लगी है। दरअसल बीते कई दिनों से देश के पहाड़ी इलाकों पर जमकर बर्फबारी है वो हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। वही बर्फबारी की वजह से यूपी समेत उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। वही यूपी के कई जिलों में तो शीतलहर का असर भी दिखाई दे रहा है। वही मौसम विभाग के एमडी की माने तो पश्चिमी यूपी में आने वाले दिनों में यहाँ पर सर्द हवाएं चलेगी, जिससे यहाँ पर ठंड के साथ साथ कनकनी बढ़ने का अनुमान है। वहीं पूर्वांचल में भी बीते दिनों पारा जो है नीचे गया है। तापमान में गिरावट से यहाँ पर इंसानों के साथ साथ मवेशियों को भी यहाँ पर मवेशियों और पशुपालकों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ चुकी है, यानी पशुपालकों की जो मुश्किलें बढ़ चुकी है। रुकी यहाँ पर जो राजधानी है यूपी की राजधानी लखनऊ, लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 11 डिग्री आज रहने का अनुमान है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि आज शाम से लखनऊ के तापमान में एक बार फिर गिरावट होना शुरू हो जाएगी। वही गिरावट होने की संभावना जो है यहाँ पर जताई गई है। वही पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अब राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और एनसीआर पर भी दिखने लगा है। वही दिल्ली एनसीआर और यूपी के कई जिलों में यहाँ पर अभी जो ठंड है उसमें बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं।